सोशल मीडिया पर मुनव्वर फारूक को क्यों किया जा रहा है ट्रोल? आखिरकार मुनव्वर फारूक को उनके फैंस क्यों कहते नजर आ रहे हैं कि ये पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कहता है और कुछ भी करता है? आखिरकार ऐसा मुनव्वर फारूक ने क्या कर दिया है? चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि की आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वाला आपको बता दूँ कि मुनव्वर फारूक जब से शो लॉकअप के कंटेस्टेंट बने हैं तब से उनके फैंडम भी उतने ही ज़्यादा बढ़ गए हैं और उनके ट्रोलर्स भी उतने ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी कि मुनव्वर के हर एक एक छोटी मोटी एक्टिविटीज़ पर ट्रोलर्स का जो है वो बेहद ही ज़्यादा ध्यान रहता है। इस बीच आपको बता दूं कि रिसेंटली ही मुनव्वर फारूक स्पॉट किए गए एयरपोर्ट पर, जहाँ की वो बेहद ही ज़्यादा लेट हो चुके थे और अपनी फ्लाइट की टिकट्स जो हैं वो दिखाते हुए जा रहे थे और कहते नज़र आ रहे थे कि आज तो मुझे लोगों से हाथ जोड़नी पड़ेगी, विनती करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी क्लास लग जाएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं मुनव्वर फारूक सोच रहे थे कि जो भी रिपोर्टर्स होंगे या फिर जो भी उनको स्पॉट करेगा, जो भी फैंस होंगे, तो वो सबके सामने हाथ जोड़कर बोल देंगे कि भाई आज मुझे छोड़ दो क्योंकि मेरा फ्लाइट छूट जाएगा अगर मैं थोड़ा भी लेट हुआ तो। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो फैंस का ये मानना है कि मुनव्वर जो है वो पब्लिकली यानी कि पब्लिसिटी स्टंट लेने के लिए वो कुछ भी कहते हैं और कुछ भी करते हैं। यानी कि मुनव्वर का कोई अपना स्टैंडर्ड नहीं है। उन्होंने बड़े महफिल में यानी सोशल प्लेटफॉर्म पर एक लड़की के साथ डेट करने की या फिर एक लड़की की बेइज्जती की है, जो कि अपने आप में ही बहुत गलत है। और मुनव्वर हमेशा वही हरकतें करती हैं जो उन्हें पब्लिसिटी दे और वो और भी ज़्यादा फेमस हो। लेकिन बात एक्चुअल ये है कि मुनव्वर फारूक एक फेक इंसान है। वेल, आपको बता दूं कि मुनव्वर फारूक को लेकर जो ट्रोलर्स ये ट्रोलिंग कर रहे हैं वो बेहद ही ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि जहां उनके एक बहुत बड़े तादाद में फैंस हैं वहीं ट्रोलर्स का ऐसा बोलना मुनव्वर फारूक के लिए बेहद ही ज़्यादा शॉकिंग हुआ जाता है। लेकिन अगर बात करें उस वीडियो की, तो उस वीडियो में जेन्युइनली नज़र आ रहा है कि मुनव्वर फारूक सच में काफ़ी लेट हो गए हैं और सच में शायद मुनव्वर फारूक को लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़े ताकि वो जल्द से जल्द पहुंच पाएँ और अपनी फ्लाइट मिस ना करें। वेल, आखिरकार आपका क्या कुछ कहना है? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि मुनव्वर फारूक हर चीज़ों में पब्लिसिटी स्टंट लेते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।